हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। सीएसएस ट्रिक की इस वीडियो में आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना सीखेंगे, वो भी प्योर सीएसएस में। तो आइए पहले देखते हैं कि जो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, वो एक्चुअल में दिखता कैसे है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है ड्रॉप डाउन मेन्यू का जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ देखिए, ऊपर मेन्यू आ रहे हैं और जब मैं होवर कर रहा हूँ तो इनके नीचे सब मेन्यू भी आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके नीचे एक और सब मेन्यू है। ये देखिए, सब मेन्यू के अंदर एक और सब मेन्यू है। इसी को हम कहते हैं ड्रॉप डाउन सब मेन्यू। ये मोस्टली हर वेबसाइट्स में चलते हैं, जो भी हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो उसके अंदर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको जरूर बनाना होता है, जो ऊपर हेडर पार्ट में आता है। तो हम इस वीडियो में इसी को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इस तरीके का सब मेन्यू कैसे बना सकते हैं। यहां देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल बना ली है, dropdown-menu.html। और यहां पर देखिए, इसका एक बेसिक सा सिंटेक्स भी मैंने लिखा है। यहां पर एक एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल लगाई है मैंने, menu.css। यहां पे आप जाके देख सकते हैं, ये वाली फाइल है। अब यहां पर हम एचटीएमएल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर एक डिव ले लेता हूं और उस पर आईडी लगा देता हूं मेन्यू। ये देखिए, अब इसके अंदर मैं एक यूएल ले लेता हूं और उसके अंदर li। ये देखिए, यहां पर एंकर टैग के अंदर मेरे को अभी कोई लिंक नहीं देना। यहां पर अभी मैं हैश ले लेता हूं। ये देखिए, मैंने यहां पर हैश ले लिया और यहां पर मैं एक नेम ले लेता हूं जिस पे मैं क्लिक करूंगा, तो उस पे मैं लिख रहा हूं जैसे मेन्यू वन। ये देखिए, अब मैं इसी की तीन चार डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए, मैंने यहां पर पांच कॉपीज कर लिए। यहां पर मैं लिख लेता हूं 2, 3, 4, 5। मैंने यहां पर 5 मेन्यू क्रिएट किए। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक मेन्यू के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू बना लेता हूं। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैं एंटर लगाता हूं एक li के अंदर और यहां पर जाकर एंकर टैग के बाद मेरे को यहां पर यूएल टैग डालना है, मतलब कि एक और लिंक टैग। मैं यही कॉपी कर लेता हूं बेसिकली और यहां पर इसे पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए, इसकी थोड़ी अलाइनमेंट ठीक कर लेता हूं। ये देखिए, यहां पर अब मैं इस मेन्यू टू के अंदर जो ये मेन्यू आ रहे हैं, इनका नाम चेंज कर लेता हूं। इस पर मैं रख देता हूं नाम इसका सब मेन्यू। और इसी तरह मैं नेम को कॉपी करके यहां से सब मेन्यू नीचे वाले लिंक्स में भी डाल देता हूं। ये देखिए, और यहां से जो 5 मेन्यू है इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ये देखिए, अब ये मेरा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया। अब इसी तरीके का एक और सब ड्रॉप डाउन मेन्यू मैं किसी और लिंक में भी डाल देता हूं। देखिए, जैसे मैं 4 लिंक में डाल रहा हूं और यहां पर भी मैंने इसे पास कर दिया। अब जिस तरह ये मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया, अब इसकी की तरह बिल्कुल सेम मैं यहां पर एक डीप सब मेन्यू बना लेता हूं। तो देखिए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसी को क्लोन कर लेता हूं, कॉपी करके। कॉपी कर लिया और यहां पर जैसे लेंथ 2 आ रहा, आप यहां पे देख रहे हैं, इसी के नीचे जाकर मेरे को यहां पर एक बार और पेस्ट कर देना। ये देखिए, इसकी थोड़ी अलाइनमेंट कर लेता हूं और यहां पर मैं नाम रख देता हूं डीप मेन्यू। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से और हर जगह पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए, मैंने 3 डीप मेन्यू बना लिए और इसको रिमूव कर देता हूं 4th one को। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसके अंदर भी एक और सब डीप मेन्यू बना लेता हूं। तो देखिए, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर लिंक 2 के अंदर जाकर मैं इसको पेस्ट कर दिया और यहां पर इसकी फॉर्मेटिंग सही कर दी। अब यहां पे मुझे करना क्या है, यहां पर इससे पहले मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं, सब डीप मेन्यू लिख देता हूं। इसी को कॉपी करके यहां पे पेस्ट और यहां पे भी पेस्ट। ये देखिए, तो ये अब हमारी HTML रेडी हो चुकी है। यहां पर मैंने क्या किया, एक्चुअल में मैंने एक मेन यूएल टैग लिया जिसके अंदर बहुत सारे li आ रहे हैं, मेन्यू 1, 2, 3 और 4। अब उसमें से जो हमारे पास सेकेंड मेन्यू आ रहा है उसके अंदर मैंने एक और यूएल ले लिया। ये देखिए, और उस यूएल के अंदर भी जो li आ रहा है उसके अंदर एंकर टैग के बाद एक यूएल और डाल दिया। और इसी तरह मैंने इसको रिपीट दोबारा से किया, इस यूएल के अंदर भी एक li के अंदर मैंने एक यूएल और डाल दिया। तो यहां देखिए, इसका नाम था मेन्यू 2 और जो इसके अंदर आ रहे थे वो थे सब मेन्यू। सब मेन्यू उसके अंदर आ गया डीप मेन्यू और डीप मेन्यू के अंदर सब डीप मेन्यू। अब मैं इसकी HTML को आपको ब्राउजर के अंदर चेक कराता हूं। यहां देखिए, यहां पर जो हमारी HTML थी वो आपको यहां पे डिस्प्ले हो रही है। यहां देखिए, मेन्यू के अंदर सब मेन्यू है, उसके अंदर डीप मेन्यू और डीप मेन्यू के अंदर भी सब डीप मेन्यू। ये आपके सामने पूरा मेन्यू रेडी हो चुका है HTML उसकी। अब यहां पर इसके बाद हम अपनी CSS से काम शुरू करते हैं। तो यहां मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया। अब यहां पर मैं अपनी फाइल ओपन करूंगा जो मैंने यहां पर ऐड की थी, menu.css।
यहां पर देखिए, अब यहां पर सबसे पहले मैं अपने सिलेक्टर लेता हूं बॉडी टैग का, और इसके अंदर मैं अपनी फॉन्ट फैमिली लगा लेता हूं एरियल। ये देखिए, आप जौन सा मर्जी फॉन्ट यूज करना चाहें कर सकते हैं। अब इसके बाद मेरे को सबसे पहले जो अपना सिलेक्टर लेना है वो लेना है मेन्यू। आप देख रहे हैं यहां पर हमने एक डिव लिया था मेन्यू नाम से, अब इसी से हमें काम शुरू करना है। इसमें सबसे पहले मैं आपको यहां पे बॉर्डर लगा के दिखा देता हूं। यहां मैंने बॉर्डर लगा दिया और ये देखिए यहां पर आपके सामने बॉर्डर दिख रहा है आपको, आपको पता लग जाएगा ये भी पूरा मेन्यू है। अब इसके बाद मेरे को यहां पर यूएल पे काम करना है। यहां देखिए, सबसे पहले हमारे को जो मेन यूएल आ रहा है उस पर काम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां सिलेक्टर लेता हूं मेन्यू, और उसके अंदर जो मेरे पास डायरेक्ट यूएल टैग आ रहे हैं उनको टारगेट करना है। तो डायरेक्ट के लिए मैं यहां पर लूंगा अपना ग्रेटर देन का साइन और उसके बाद यूएल। ये एक एडवांस सिलेक्टर है, अगर आपको एडवांस सिलेक्टर्स के बारे में नहीं पता तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा सीएसएस का, कि एडवांस सिलेक्टर को हम कैसे यूज करते हैं। और यहां पर इसके बाद अब मैं यहां पर इसकी सीएसएस शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मेरे को यहां पर एक कलर लेना है, मतलब कि यूएल टैग में। तो देखिए यहां पर मैंने प्रॉपर्टी ले ली बैकग्राउंड, अभी तो मैंने यहां पर ब्लैक कलर दिया है, मगर मैं इसको थोड़ा सा अलग करना चाहता हूं। तो यहां पर मैं अपनी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूं, फ्लैट यूआई कलर्स। यहां देखिए मैंने गूगल पे सर्च किया, यहां पर जो सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी फ्लैट यूआई कलर्स, आपको इसी को ओपन करना है। यहां देखिए यहां पर अलग अलग कलर्स के आपके पास पैचेस आ जाएंगे। तो यहां पर मैं सबसे फर्स्ट वन को ही क्लिक कर रहा हूं। ये देखिए यहां पर अभी मैं डार्क में ये कलर ले रहा हूं जिसका नाम है मिडनाइट ब्लू। मैं इसको यहां से कॉपी कर लिया। अब यहां पर एडिटर में आकर मैं इसे पेस्ट कर लेता हूं। ये देखिए मैंने इसे पेस्ट कर लिया। अभी मैं यहां पर वापस आता हूं और ये देखिए यहां पर आपको ये कलर दिख रहा है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं जितने भी ये एंकर्स आ रहे हैं इनका कलर जो है वाइट कर देता हूं, और इनके नीचे जो लाइन आ रही है उसको हटा देता हूं, और जो इससे पहले डॉट्स भी आ रही हैं उनको भी मुझे हटाना है। तो यहां पर अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर सिलेक्टर बनाता हूं, मेन्यू के अंदर जितने भी यूएल आ रहे हैं उनका मैं लिस्ट स्टाइल नन कर देता हूं। उसके साथ ही मैं यहां पर उसकी जो पोजीशन है उसको रिलेटिव कर देता हूं। ये देखिए अब यहां पर जो भी यूएल आ रहे हैं उनका मार्जिन और पैडिंग मैं उसको शुरुआत से ही जीरो कर देता हूं, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। ये देखिए अब इसे होगा क्या, जितने भी यूएल आ रहे हैं चाहे वो सब में आ रहे हैं चाहे वो डीप मेन्यू में आ रहे हैं, जितने भी यूएल हैं सबका मार्जिन और पैडिंग जो है वो जीरो कर दिया शुरुआत में ही, और उनको रिलेटिव बना दिया। अब इसके बाद हम अपने एंकर टेक्स्ट पे काम करते हैं और इसका कलर चेंज करते हैं। तो यहां पर मैं इसका सिलेक्टर ले लेता हूं और यहां पर एंकर टैग का काम शुरू करता हूं, मतलब कि यूएल के अंदर जितने भी एंकर्स आ रहे हैं उन पर मुझे काम शुरू करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर प्रॉपर्टी ले लेता हूं कलर। कलर में यहां पर मैं देता हूं वाइट कलर, और उसके लिए जो हेक्साडेसिमल कोड होता है वो होता है FFF। ये देखिए यहां पर कलर भी सेट हो चुका है। अब इसके बाद मैं यहां पर इसके नीचे जितनी भी लाइंस आ रही हैं उसको हटा देता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर ले रहा हूं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ये देखिए यहां से जितनी भी लाइंस आ रही थी सबके नीचे वो सारी हट चुकी हैं। अब यहीं से जितने भी एंकर्स हैं उन सब का मैं फॉन्ट की स्टाइलिंग कर लेता हूं। तो यहां पर सबसे पहले मैं लेता हूं फॉन्ट का साइज, और यहां मैं देता हूं जैसे 15 पिक्सल, आप जितना मर्जी लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद मैं यहां पर लाइन हाइट दे देता हूं, लाइन हाइट लगभग मैं डबल दे देता हूं। यहां पर मैंने दे दी जैसे 32 पिक्सल। ये देखिए अब उसके बाद जितने भी एंकर्स आ रहे हैं उनमें मैं पैडिंग लगा देता हूं। देखिए मैंने यहां पर पैडिंग दे दी ऊपर और नीचे से 0, लेफ्ट और राइट से 15 पिक्सल। अभी मैं इतने चेक कराता हूं आपको। ये देखिए यहां पर सब में पैडिंग आ चुकी है, फॉन्ट साइज भी सेट हो चुका है। मैं साथ में इस फॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेता हूं। तो यहां मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूं फॉन्ट वेट बोल्ड। ये देखिए ये बोल्ड हो चुका है। अब मैं क्या करता हूं, जितने भी एंकर्स हैं इन सबको डिस्प्ले ब्लॉक बना देता हूं, ताकि बाद में इसमें कोई भी पैडिंग में दिक्कत ना आए, क्योंकि एंकर टैग जो होता है बेसिकली वो टेक्स्ट के लिए होता है, ये डिव की तरह वर्क नहीं करता। तो इसको वर्क करने के लिए हम यहां पर बना रहे हैं डिस्प्ले ब्लॉक। ये देखिए तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मुझे LI की CSS करनी है, जितने भी LI आ रहे हैं। तो यहां से मैं सिलेक्टर कॉपी कर लेता हूं और यहां पर जाकर इसके बाद मैं यहां पर लिख लेता हूं, मतलब कि UL के अंदर जितने भी LIs आ रहे हैं तो उसकी मैं यहां पर CSS करने वाला हूं। सबसे पहले मैं सबको फ्लोट लेफ्ट कर देता हूं। ये देखिए अब सभी की जो पोजीशन है वो मैं रिलेटिव बना देता हूं। रिलेटिव क्यों, क्योंकि जितने भी UL आ रहे हैं उसके अंदर LI के अंदर उसको मैं एब्सोल्यूट करने वाला हूं। और यहां पर इसके बाद मैं ले लेता हूं मार्जिन 0। ये देखिए और इसके बाद पैडिंग में ले लेता हूं 0। ये देखिए यहां मैंने फाइल को सेव किया। अब यहां पर हमारे पास टेक्स्ट तो आ रहे हैं, बेसिकली वो सारे दिखने बंद हो गए हैं, आप देख रहे हैं।
तो यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो हमारे पास मेन यूएल आ रहा है इसमें मैं प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ अपनी फ्लोट, और फ्लोट को कर देता हूँ लेफ्ट। ये देखिए अब आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पर इसके अंदर सब कुछ कैसे दिख रहा है। ये देखिए मेन्यू के अंदर सब मेन्यू, डेप मेन्यू और सब डीप मेन्यू आ रहा है यहाँ पर हमारे पास। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये मेन मेन्यू के नीचे, मतलब कि जो मेन मेन्यू है मेन्यू वन मेन्यू टू, उसके नीचे जितने भी सब मेन्यू आ रहे हैं डीप मेन्यू, इन सबको मैं पोजीशन दे देता हूँ एब्सोल्यूट। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे एक सिलेक्टर बनाता हूँ। मैं कहता हूँ मेन्यू के अंदर जो मेन यूएल है, जो सबसे पहला मेन्यू है, उसके अंदर जितने भी यूएल आ रहे हैं वो सारे पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाए। ये देखिए अब यहाँ पर वो नीचे आ चुके हैं, दिख नहीं रहे हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उनको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। यहाँ पर मैं अभी एक कलर ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर डार्क कलर ले रहा हूँ ये वाला। अब यहाँ पर आकर मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए जोन सा कलर मैंने लिया वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर इसकी पोजीशन सेट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दे देता हूँ टॉप से कितना देना है, तो यहाँ से मैं टॉप ले लेता हूँ 100%। ये देखिए मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया, अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये ऊपर से नीचे है 100%। ये जितनी इसकी हाइट है ब्लू वाले की वहीं से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर मैं शुरुआत से इसे कर देता हूँ लेफ्ट से 0। ये देखिए अब इसके बाद जितने भी सब मेन्यू के अंदर जितने भी एल आईज आ रहे हैं इनकी मेरे को CSS करनी है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी सिलेक्टर को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं बात करता हूँ नीचे वाले एल आईज की। अब इसके अंदर सबको मैं फ्लोट नन कर देता हूँ और उसके बाद सबको एक वेट दे देता हूँ 200 पिक्सल। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है सबको एक वेट भी लग चुकी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी डीप मेन्यू है वो सब मेन्यू के ऊपर चढ़ रहे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो उसको मेरे को बाहर निकालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और मैं यहाँ पर इसी का सिलेक्टर कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए अब मैं कह रहा हूँ यूएल के अंदर जो एक यूएल आ रहे हैं, मतलब कि सब मेन्यू आ रहे हैं, अब उसके अंदर भी जो डीप सब मेन्यू है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक सिलेक्टर और बना रहा हूँ यूएल का, और यहाँ पर मेरे को उसका लेफ्ट और टॉप देना है। मैंने ऑलरेडी उसको पोजीशन दे रखी है आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैंने कहा है ऑलरेडी यूएल के अंदर जितने भी यूएल आ रहे हैं उन सबको मैंने यहाँ पर पोजीशन दे दी है एब्सोल्यूट। मेरे को अब जो बात करनी है वो करनी है डीप सब मेन्यू के लिए। तो यहाँ पर मैं उसके लिए देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर टॉप दे देता हूँ उसको 0 पिक्सल और उसके बाद उसको लेफ्ट दे देता हूँ 100%। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं वो एक के नीचे एक आ चुके हैं। अब मैं शुरुआत में क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये हाइड रहे, जितने भी हैं ये बिल्कुल हाइड रहे। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर मैं कहता हूँ जितने भी यूएल के अंदर यूएल आ रहे हैं, मतलब कि ये तो हमारा मेन यूएल है जो सबसे ऊपर आ रहा है आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, उसके बाद जितने भी यूएल आ रहे हैं वो डिस्प्ले नन हो जाए। ये देखिए मैंने उन सबको डिस्प्ले नन कर दिया, अब यहाँ पे वो दिखने बंद हो गए हैं। अब अगर मैं उनको देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर एक सिलेक्टर बनाना पड़ेगा मेरे को इस वाले एल आईज का, मतलब कि जैसे मैं इनके ऊपर होवर करूँ तो इसके नीचे का जितना भी यूएल है वो डिस्प्ले होने लग जाए। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक सिलेक्टर बना लेता हूँ, मैं सबसे नीचे ही बना रहा हूँ इसे। ये देखिए अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर मतलब कि यूएल के अंदर जितने भी एल आई आ रहे हैं जब भी उन पर होवर हो, ये देखिए तो उसके अंदर जो भी उसके अंदर डायरेक्ट यूएल आ रहा है उसकी मेरे को यहाँ पे CSS करनी है। तो डायरेक्ट के लिए मैं यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा क्योंकि मैं सभी यूएल को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसके अंदर जो डायरेक्ट यूएल आ रहा सिर्फ उसी को टारगेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा। ये देखिए शुरुआत में मैंने उसे डिस्प्ले नन किया है और जैसे ही मैं इस एल आई के ऊपर होवर करूंगा तो उसके अंदर जो भी डायरेक्ट यूएल आ रहा होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब कि वो डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं आपको चेक कराता हूँ, ये देखिए आप देख रहे हैं जैसे ही मैं उससे होवर कर रहा हूँ तभी वो डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ तो देखिए उसके नीचे वाला भी डिस्प्ले होने लग गया। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए तो ये हमारा मेन्यू एक तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा होवर इफेक्ट मैं दूंगा तो प्रॉपर दिखने लगेगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर जस्ट अब मेरे को होवर के इफेक्ट लगाने हैं जिसमें अब मैं उसका बेसिकली बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा। तो यहाँ देखिए अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं ऊपर जाऊंगा, जो हमारा ये मेन मेन्यू आ रहा है मैं इसका बैकग्राउंड का होवर पे रंग कलर चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने एक सिलेक्टर बनाया हुआ आप देख रहे हैं यहाँ पर एल आई का, अब इसी का मेरे को होवर बनाना है तो मैं बिल्कुल इसी के नीचे बना लेता हूँ इसका होवर भी।
तो इस सिलेक्टर का मतलब है यूएल के अंदर जितने भी एल आई आर हैं, चाहे वो डीप मेन्यू में है चाहे वो सब मेन्यू में है, सबका बैकग्राउंड का कलर मेरे को चेंज करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं अपनी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ बैकग्राउंड। अब मेरे को जौन सा कलर लेना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं गया, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर लिया था यहाँ पर, अब मैं उसका लाइट कलर ले रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको कलर दिख रहा है। अब मैं नीचे वालों पे आ रहा हूँ, वहाँ पे भी आपका ये कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए चाहे मैं डीप सब मेन्यू में आ जाऊँ, ये देखिए सब में कलर चेंज होने लग गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इससे पहले जहाँ पर ये हमारा ड्रॉपडाउन मेन्यू है, जितने भी ड्रॉपडाउन मेन्यूज आ रहे हैं इसके अंदर मैं यहाँ पर लेफ्ट में एक बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। तो देखिए जैसे मैंने ये सिलेक्टर बनाया था, मैं इसी का यहाँ पर एल आई का एक होवर भी बना लेता हूँ। ये देखिए अब इस सिलेक्टर का क्या मतलब है, ये तो मेरा मेन यूएल है जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, इसके नीचे जितने भी यूएल आ रहे हैं उनके जो भी एल आई हैं, जब मैं उस पर होवर करूँ तो यहाँ पर मेरे को बॉर्डर का कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर लेफ्ट लगा देता हूँ और यहाँ पर 3 पिक्सल का मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ और मेरे को जौन सा कलर लेना है मैं वही ले लेता हूँ जो मैंने ऊपर ब्लू कलर में दिया है ताकि प्रॉपर कंट्रास्ट बना रहे। ये देखिए यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ देख रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसके नीचे सब मेन्यू भी आ चुका है, आप देख रहे हैं, मगर आप ध्यान से देखिए झटके मार रहा है टेक्स्ट जो है वो झटके मार रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में पहले इससे पहले यहाँ पर कोई भी बॉर्डर नहीं है लेफ्ट साइड में, तो एक बॉर्डर आता है तो ये टेक्स्ट जो है वो आगे की तरफ खिसक जाता है थोड़ा सा। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर होवर पे एक यहाँ पर इसको कलर दिया है, मैं विदाउट होवर वाले पे भी एक 3 पिक्सल का ही बॉर्डर लगा लेता हूँ, मतलब कि यहाँ पर, और इसको वही कलर देता हूँ जो बैकग्राउंड में आ रहा है। ये देखिए जैसे ये कलर आपको दिख रहा है तो यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया। ये देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अब ये बिल्कुल भी झटके नहीं मार रहा, आप देख रहे हैं। यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको जो ये हमारा यूएल आ रहे हैं जितने भी डीप मेन्यू है या सब डीप मेन्यू है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, मतलब कि पूरे यूएल को। तो उसके लिए मैं देखिए यहां क्या करूंगा, मैं जहां पे हमने ये दिया है 0 पिक्सल, इसको थोड़ा सा ऊपर माइनस में दे देता हूं। देखिए जैसे मैं यहां देता हूं 4 पिक्सल, या मैंने फाइल को सेव किया, अभी मैं आपको चेक कराता हूं। ये देखिए अब ये यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर ये थोड़ा सा ऊपर हो चुका है, ये देखिए तो यहां पर ये हमारा मेन्यू जो कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर जो बॉर्डर आ रहा है मैं इसको भी हटा देता हूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है यहां पे जो हमने लगाया था। ये देखिए अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है मेन्यू। ये देखिए अगर आपको ये कोड चाहिए जो मैंने अभी यहाँ पर मेन्यू रेडी किया है, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, ये देखिए yahoobaba.net, और यहाँ पर आपको मेन्यू के ऊपर एक लिंक दिखेगा जिसका नाम है कोड लैब, आप इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रही है एक लिस्ट जिसमें हमने यहाँ पर जो भी ड्रॉपडाउन मेन्यू बनाया वो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। अगर आपको ये यहाँ पर नहीं मिले, अगर आप ये वीडियो बहुत दिनों बाद देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी लिस्ट बनने वाली है अभी, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको एक मेन्यू दिखेगा जिसपे लिखा होगा ड्रॉपडाउन मेन्यूज, तो आप उस पर क्लिक करके भी इसका कोड ले सकते हैं। तो देखिए आपको इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑनलाइन एडिटर ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इसकी एचटीएमएल रखी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ पर इसके नीचे ये सारी इसकी सीएसएस है, आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इसको फुल व्यू करके यहाँ पर जितना भी कोड है वो सारा आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैं अभी इसे एग्जिट कर रहा हूँ, ये देखिए और ये मेन्यू भी पूरा वर्किंग में ही है जो भी मैंने अभी आपको क्रिएट करके दिखाया। फ्यूचर में मैं एक वीडियो इससे रिलेटेड एक और भी बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा इस तरीके के मेन्यू को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं, मतलब कि मोबाइल में इसका डिजाइन कैसे चेंज करते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।